के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 48वें जन्मदिवस के अवसर पर श्री श्री रामलीला कमेटी वर्ड घाट के रामलीला मैदान का भूमि पूजन व शिलान्यास कार्यक्रम सकुशल संपन्न हुआ। पिछले 158 वर्ष से ऐतिहासिक श्री श्री रामलीला कमेटी वर्ड घाट के मैदान में रामलीला का आयोजन होता आ रहा है। वहीं रामलीला देखने के लिए हजारों की संख्या में दर्शक आते हैं। वर्ड घाट रामलीला मैदान का बाउंड्री न होने की वजह से नाट्य प्रस्तुति में काफी परेशानी होती थी। वहीं मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी धार्मिक व पर्यटन स्थलों के सुंदरीकरण करने की योजना के तहत इस वर्ड घाट रामलीला मैदान को भी सुंदरीकरण के लिए सरकार की तरफ से लगभग 5 करोड़ रुपए दिए हैं, जिसका भूमि पूजन व शिलान्यास ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, महापौर सीताराम जायसवाल व भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह व रामलीला कमेटी के सदस्यों द्वारा किया गया। इस दौरान कमेटी के महामंत्री अनूप अग्निहोत्री, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल बनवाल, उपाध्यक्ष अरविंद बनवाल, कोषाध्यक्ष दिनेश, मीडिया प्रभारी अनुराग मजवार सहित सैकड़ों राम भक्त उपस्थित रहे। आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में बहुत ही जोश से 159 वर्षों से हमारे पूर्वजों की यह जेल है। अरे महापौर जी का मीडिया कर्मियों से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल व रामलीला कमेटी के अध्यक्ष पंकज गोयल ने बताया। वर्ल्ड घाट रामलीला कमेटी 16 दशक पुरानी है और लगातार यहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र का मंचन होता है। इसमें शहर के सभी लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम की पूजा करते हैं। रावण दहन होता है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश को पर्यटन के क्षेत्र में विकसित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई है। उसी के तहत लगभग 5 से 6 करोड़ रुपए के अंदर यह रामलीला कमेटी का रामलीला मैदान का पूरी तरह से सुंदरीकरण हो रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये गोरखपुर की सबसे ऐतिहासिक रामलीला भूमि है। इसी भूमि पे रावण दहन होने के बाद माता शक्ति की पूजा होती थी और तब दशहरा का प्रोग्राम मनाया जाता था। इस लिहाज से भी ये सबसे पुराना हमारा संस्था रहा है और मैं आज योगी जी महाराज जी के जन्मदिन होने के नाते उनको बहुत बहुत शुभकामनाएँ भी देता हूँ अपने रामलीला पूरे परिवार की तरफ से कि आज उनके इस जन्मदिन के अवसर पर हमारी भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है और हमारा पूरा परिवार, यहाँ तक कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो पूर्वज रहे होंगे उनके भी दिल से आज उनके लिए तमाम खुशियाँ और तमाम आशीर्वाद निकल रहा होगा जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसको हम लोग बता पाने में सक्षम भी नहीं है।